मार्च ने गणेशपेट के संतरा मार्केट के पास एक डेली नीड्स की दुकान में चल रहा क्रिकेट सट्टा का अड्डा पकड़ा है। पुलिस ने डेली नीड्स दुकान के संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोकेश प्रदीप पुरोहित, साई अपार्टमेंट गोदनी मनकापुर, अभिजीत राजेंद्र प्रसाद तिवारी परदेसी तेलीपुरा बजरिया और उसका भाई आकाश पप्पू तिवारी 2SB टाउन सोनेगांव है। लोकेश पुरोहित की संतरा मार्केट के पास डेली नीड्स की दुकान है। वह अपनी दुकान से IPL क्रिकेट पर सट्टेबाजी करता था। इसकी पुलिस को भनक लग गई। उसने मंगलवार की रात लोकेश की दुकान पर दबिश दी। वह अभिजीत और उसके भाई आकाश के साथ सट्टेबाजी करते हुए मिल गया। अभिजीत और आकाश सट्टा खेलने के लिए लोकेश के पास आए थे। लोकेश पहले भी क्रिकेट सट्टेबाजी करते हुए पकड़ा गया है। उसके बड़े सट्टेबाजों से जुड़े होने का संदेह है। उन लोगों का पुलिस पता लगा रही है। आरोपियों से मोबाइल, खायवाली के दस्तावेज और नकदी सहित 61,000 का माल बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ गणेशपेट थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई DCP चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन, PI मुकुंद सालुंके, API मुलानी और उनके दल ने की। हे परवा रात्रीची कारवाई आहे। आम्हाला गुप्त बातमी भेटली होती की गणेशपेठ हद्दीमध्ये एक पापलोज डेली नीड्स म्हणून दुकान आहे, तर तिथं एक व्यक्ती पुरोहित नावाचा तो सट्टा क्रिकेट सट्टा बेटिंग चालवतो। तर मग त्या माहितीनुसार मी आमचे मुलाने साहेबाची टीम घेऊन गेलो, तर ते रेड सक्सेस झाली। त्यांचे नावं पाहिजेत आपल्याला, तर त्यांचे नावं सांगतो। पुरोहित म्हणून आहे, तर तो मुख्य सूत्रधार आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।